सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं सीरीज एक्सटेंशन मोड। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक वुडन का बोर्ड का बॉक्स ले लिया। अगर आपके पास में कोई और मटेरियल का है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। हमारे पास इसके ऊपर की प्लेट नहीं है तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड की शीट ले ली है। उसको हम मार्क करके कट कर लेंगे। मार्क करने के लिए हमने यहाँ पर स्केल की मदद से बोर्ड को अच्छे से मार्क कर लिया। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पे मार्कर की मदद से कार्डबोर्ड शीट के ऊपर हमने मार्क कर लिया। उसके बाद में कैंची की मदद से हमने इसको कट कर लिया। कट करने के बाद में दोस्तों हम इसके ऊपर कुछ एक्सटेंशन मार्किंग करेंगे, जिससे कि दोस्तों बॉडी के फ्रेम के साथ में चिपक के हम यहाँ साइडों में से 1.5 इंच के इसके अंदर मार्क कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर मार्किंग कम्प्लीट कर ली। उसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर एक होल्डर ले लिया। होल्डर के साथ साथ हमने यहाँ पर एक स्विच और एक सॉकेट भी लिया। इस सभी को दोस्तों हमने यहाँ पर कार्डबोर्ड शीट के ऊपर कुछ इस प्रकार से लगा देते हैं। इसके दोस्तों इसके साथ में हमने यहाँ पे मार्किंग करके दोस्तों कार्डबोर्ड शीट के अंदर में कटिंग कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने यहाँ पर मार्किंग कर लिया। दोस्तों इसको चाकू की मदद से हम इसको कट कर लेंगे। ये देखो दोस्तों, उतना हमका इसको कट करके ले आए। अब इसके बाद में दोस्तों इसके अंदर में स्विच वगैरह होल्डर वगैरह अच्छे से लगा देंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर होल्डर को ओपन करके इसको कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर इसके अंदर में लगा कर इसको ऊपर से बंद कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने सभी को इस कार्डबोर्ड शीट के अंदर में सेट कर दिया। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर एलफी की मदद से इसको अच्छे से चिपका भी दिया। उसी के साथ साथ दोस्तों अब इसके कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के लिए हमने यहाँ पर एक एक्सटेंशन वायर का यूज़ कर लिया, जो हम एसी सप्लाई के लिए यूज करेंगे। इस वायर के हमने यहाँ पर एक टुकड़े को हमने यहाँ पर होल्डर के साथ में कनेक्ट कर दिया। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर ब्लैक वाली वायर को होल्डर के साथ में कनेक्ट कर दिया। आप एसी वायर का कोई सा भी कलर, कोई सा भी आप लगा सकते हो, इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। उसके बाद में दोस्तों जो इसका दूसरी वाली वायर थी उसको हमने यहाँ पर सीधा डायरेक्ट जो हमारा सॉकेट लगा था, सॉकेट के हमने यहाँ पर लाइन वाले वायर के साथ कनेक्ट कर दिया कुछ इस प्रकार से। देखिए दोस्तों, इसमें कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ वायर के टुकड़े ले लेने और उसमें से एक वायर का टुकड़े को आपको कुछ इस प्रकार से होल्डर के साथ में कनेक्ट कर देना है। उसके बाद में दोस्तों इस वायर का जो दूसरे वाला कोना है उसको दोस्तों आपको स्विच के साथ में कनेक्शन कर देना है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों आपको एक और टुकड़ा ले लेना है, उस दूसरे वाले टुकड़े को आपको स्विच को और सॉकेट के साथ में कनेक्ट कर देना है। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमने दूसरे वाले टुकड़े का एक पॉइंट स्विच के साथ में दूसरे वाले सॉकेट के साथ में कनेक्ट कर दिया। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों हमारे यहाँ पर पूरा कनेक्शन कम्प्लीट हो चुके हैं। दोस्तों इसको हम कवर के साथ में बंद कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, आप कनेक्शन को अच्छे से देख सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप कनेक्शन का स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो। उसके बाद में दोस्तों चलिए इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर हमने बॉडी के साथ में इसको बंद कर दिया। उसके बाद में चलिए दोस्तों इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। टेस्टिंग करने के लिए हमने यहाँ पर एक अलग से 2 पिन का प्लग ले लिया। इस दोस्तों प्लग को हम यहाँ पर ओपन करके इसके अंदर से एक वायर का लूप बनाकर इसको दोनों पिन के साथ में कनेक्ट कर देंगे। ये देख दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक वायर को 2 पिन प्लग के साथ में कनेक्ट कर लिया। उसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर एक और प्लग लेकर उसके साथ में 2 वायर को कनेक्शन कर लिया। दोस्तों ये हमारी एग्जिट पिन होगी, जिससे हम यहाँ पर कुछ भी सीरीज टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर एक बल्ब को लेकर इस होल्डर के अंदर कनेक्ट कर दिया। दोस्तों इसकी जो सप्लाई थी उसको हमने डायरेक्ट एसी के अंदर कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में दोस्तों इसको वर्क कैसे करना है दोस्तों, इसको सीरीज में चेक करने के लिए हमने यहाँ पर जो सीरीज के लिए अलग से एक्सटेंशन प्लग बना था उसको साथ में खुद से कनेक्ट कर देना है। ये देखिए दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पर स्विच को इसको ऑन ऑफ किया तो ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है। दोस्तों जो हमारा जो स्विच था वो थोड़ा उल्टा लग चुका है, उसकी वजह से देखिए दोस्तों उल्टा काम करता है। ये देखिए दोस्तों, जैसे हम यहाँ पर स्विच को ऑन करके इसको चेक करें तो ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। अब दोस्तों इस चीज़ को बनाकर आप इजीली आप अपना घर में कोई भी चीज़ें वायर वगैरह या फिर कोई फ़ैन की वायरिंग वगैरह आप इसको इजीली से आप इसको चेक कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, आप कितनी ईजीली से आप किसी भी वायर को 1 मिनट में चेक कर सकते हो कि वो शॉर्ट है या अच्छे से वर्किंग कर रही। आप चाहे तो कोई भी एलईडी बल्ब वगैरह भी इसको आसानी से चेक कर सकते हो, इसमें काफ़ी ईजी से चेक हो जाता है। उसी के साथ साथ जो हमने यहाँ पर दूसरा वाला एक प्लग बनाया था उसका भी यूज़ आपको बता देते हैं। इसके साथ में दोस्तों जैसे ही आप जिस प्रकार के इसके अंदर में प्लग को इंसर्ट करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने दूसरे वाले प्लग को ले लिया। हमने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसके अंदर ऑफ करके इसको इंसर्ट करेंगे। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे आपका जो बल्ब है वो काफ़ी अच्छे से ग्लो करने लगा। आप इसको एज ए नाइट लैम्प के रूप में भी यूज कर सकते हो। जहाँ पर भी आपको बल्ब की जरूरत है आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगे मैं कमेंट करके जो बताना। मिलते ऐसी मज़ेदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।